नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं हरी मिर्च खाने से होने वाले कुछ नुकसानों के बारे में। जी हाँ दोस्तों, हरी मिर्च एक ऐसी चीज़ है जिसके बिना हमारे भारतीय भोजन का स्वाद ही अधूरा होता है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन दोस्तों हर चीज़ की अपनी एक सीमा होती है। हरी मिर्च के फायदे तो आपको कई सारे बताए जाते हैं जो कि होते भी हैं, लेकिन दोस्तों फायदे के साथ साथ हर चीज़ के कुछ नुकसान भी होता है जब हम उसे ज़रूरत से ज़्यादा मात्रा में खाने लगते हैं। तो दोस्तों यही बात लागू होती है हरी मिर्च के साथ भी। अगर आप भी इसका ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं खाने में, तो यह आपको नुकसानदायक जरूर आपके लिए साबित हो सकती है और कई सारी प्रॉब्लम्स का आपको सामना करना पड़ सकता है इसी कंडीशन में। तो उन्हीं नुकसानों की जानकारी होना आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि हमारे चैनल में हमारी कोशिश होती है कि आपको हेल्थ के बारे में वो तमाम प्रकार की जानकारी होना जरूरी है जो आपको आगे चलकर भविष्य में काम आ सके। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं आज की इस वीडियो में क्या खास है। तो चलिए दोस्तों, अब आपको बताते हैं हरी मिर्च खाने के इन्हीं कुछ नुकसानों के बारे में। इसमें मौजूद कैप्साइसिन पेट की गर्मी को बढ़ाता है, जिससे अनेक प्रकार की स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां होती हैं। हरी मिर्च में अधिक मात्रा में फाइबर होता है। इसकी अधिक मात्रा से, यानी कि जब आप इसे ज़्यादा मात्रा में खाएंगे तो आपको डायरिया हो सकता है। इसमें मौजूद कैप्साइसिन से मेटाबॉलिज्म बैलेंस में नहीं रहता और मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस कम हो जाती है, यानी कि खाना पचाने की जो शक्ति होती है, पाचन क्रिया होती है, उसमें ज़रूर कहीं ना कहीं बदलाव आने लगते हैं। उसकी जो प्रोसेस होती है वो धीरे हो जाती है, जिससे खाना देरी के साथ पचने लगता है और बहुत कम पचने लगता है, जो आपको आगे चलकर अनेकों प्रकार की प्रॉब्लम्स आपको दे सकता है। इसके अलावा दोस्तों, इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट अल्सर की संभावना को बढ़ा देते हैं। जी हाँ दोस्तों, हरी मिर्च के अधिक सेवन से पेट में जलन और चक्कर आने की समस्या हो सकती है और आपको मुंह के छाले होने जैसी समस्याएं आपके शरीर में आपको देखने को मिल सकती हैं। दोस्तों, पेट के छाले अधिकतर पेट की गर्मी बढ़ने के कारण होते हैं। हरी मिर्च के अधिक सेवन से भी आप में आपके पेट में गर्मी का बढ़ता स्रोत इस बात की ओर इशारा कर सकता है कि आप छालों की चपेट में आ सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, हरी मिर्च का अधिक सेवन से मधुमेह यानी कि डायबिटीज सामान्य से भी नीचे हो जाता है। जी हाँ, अगर मधुमेह रोगी जो मधुमेह की दवा ले रहे हैं, डायबिटीज़ की दवाएं खा रहे हैं, वह लोग हरी मिर्च का ज़्यादा मात्रा में सेवन ना करें, नहीं तो उनको गंभीर परिणाम देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा हरी मिर्च में कैप्साइसिन होता है। इसके अधिक सेवन से आपको त्वचा संबंधित परेशानियां देखने को मिल सकती है। जी हाँ दोस्तों, और त्वचा से संबंधित कई प्रकार की एलर्जी इससे हो सकती है। दोस्तों, हरी मिर्च के अधिक मात्रा में सेवन से कैप्साइसिन होने के कारण इसमें बवासीर से पीड़ित व्यक्ति अगर इसका अधिक मात्रा में सेवन कर लेते हैं, तो पहली बात तो ये होती है कि उनको पहले से बवासीर की प्रॉब्लम है, लेकिन जब ऐसी कंडीशन में हरी मिर्ची का ज़्यादा मात्रा में सेवन करते हैं तो उनका बवासीर बढ़ भी सकता है और बवासीर की जो तकलीफ़ होती है, दिक्कत होती है, समस्याएं होती हैं, वो और भी ज़्यादा उन्हें बढ़ सकती हैं। तो अगर आप भी बवासीर की किसी समस्या से जूझ रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में बिल्कुल इस बात का ध्यान रखें कि हरी मिर्च का सेवन ज़्यादा ना करें, नहीं तो आपको आगे चलकर बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, देखा आपने एक हरी मिर्ची जो कि बहुत सारे फायदों से अनुरूप होती है, बहुत सारे फायदे इसमें समाहित होते हैं, लेकिन अगर ज़्यादा मात्रा में इसका सेवन कर लें तो ये नुकसान भी आपको देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों, यही थी मेरी आज की जानकारी आप लोगों के लिए। उम्मीद करता हूँ वीडियो और जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। वीडियो देखने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।